ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये जो गेम खेलने जा रहा हूं ना मैं, और ये जो गेम है भाई साहब, मोहित बेकरी आके है, ठीक है, धन्यवाद, वीडियो आ गई, आपने हमारी वीडियो खराब कर दी, इसके लिए धन्यवाद आपका। तो ये जो वीडियो है ना भाई, कई समझदार है, मैंने एक पिछले फक फेक चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें शुरू में हमने थोड़ी सी एक्टिंग करी थी, बाद में उसकी रियलिटी दिखाई थी, लेकिन बंदों ने क्या करा, वो शुरू में ही एक्टिंग देखकर जज कर लिया कि अरे भाई तुमने तो भूत दिखा दिया, तुम भी फेंके हुए। अरे तो भाई थोड़ा यहाँ से ना बड़े हो जाओ, पहले पूरी वीडियो देखना उसके बाद कमेंट करना, मतलब मजा आएगा। तो फन फन में बनाइए, फन फन में देखना, मजेदार। लाइट जला देता हूँ, एक मिनट रुको। भाई रात के ना 3:03 हो रहे हैं, और ज्यादा तेज बोल नहीं सकता क्योंकि ये ना सब जाग रहे हैं, और नहीं तो कुटाई हो जाएगी बहुत गंदी। तो पहले ना मैं नीचे जाता हूँ कपड़े चेंज करके बेसमेंट में, और वहां पे आपको मिलता हूँ। सो भाई आ गया मैं नीचे बेसमेंट में, और टाइम हो गया 3:17 और बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, फर्स्ट टाइम मैं ही खेल रहा हूँ, गेम ही लगा लो, और अब तक ये दो बंदों ने और खेली है, और भाई मजा आएगा बहुत ज्यादा, सच्ची बता रहा हूँ। एक तो ना सबसे जो फटने वाली जो काम था ना, वो ये था कि रात को 3 उठना। लेकिन स्टार्ट करते हैं गेम। इस गेम का रूल्स है कि एक ही बंदा चाहिए खेलने के लिए कोई भी, और एक हमें ब्लैक कॉर्ड चाहिए, मतलब धागा टाइप जिससे हम अपने फोन को हैंग करेंगे, लटकाएंगे, और जो एक फोन चाहिए, एक मैच बॉक्स, एक वॉच जो ईयरी, और एक चाहिए हमें सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं इस गेम को। सबसे पहले मेरे को ये करना है कि जो ये रूम है इसको क्लीन करना है, क्लीन। अब इसमें जो इनके थ्रू बताया गया है, वो ऐसे क्लीन करना है कि मेरे को एक किसी भी चीज में, मतलब एक बंडल टाइप बना लेना है कागज का, और उसमें आग लगानी है, और उस आग के धुएं से ये पूरा क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट नमक हर जगह छिड़क देना है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है अगला रूल इसका। लाल तो भाई इसमें आग, तो लगा लिया इसमें आग, और बहुत ज्यादा धुआं भी निकलने लग गया है, ये लग रही है थोड़ी थोड़ी आग इसमें, तो मैं अब क्लीन कर लेता हूं। कर लेने की वजह अब उसके बाद थोड़ा सा नमक लेना है, और नमक को हर जगह थोड़ा 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 हर जगह। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद अपनी जेब चेक करनी है, हमारी जेब में कुछ पड़ा तो नहीं है, जो कि कुछ भी हो, मतलब जो लाइक कोई ताबीज या फिर कुछ भी जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती हो इन सब चीजों से। मेरी जेब में तो कुछ नहीं है। और रात को सबसे पहले क्या करना है, अब एक कॉल करनी है, 13 डायल करके ना, मतलब 13 तक मेरे को काउंटिंग करनी है, उसके बाद मुझे कॉल करनी है। तो मैं 13 तक काउंटिंग करता हूं, पहले फोन को पकड़ के, तो ये रहा फोन, और मैं 13 तक काउंटिंग शुरू करता हूं, उसके बाद मेरे को एक नंबर पे कॉल करनी है, 1 2
तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और तेरह। उसके बाद मेरे को नंबर मिला था, ये नंबर है 2049-6888 और इस पर कॉल करनी है और एक कॉल अपने आप कट रही है, एंड हो रही है। देखो कॉल अपने आप एंड हो रही है, तो उस पर तो बार बार कॉल कट रही है। उसके बाद जो रूल है वो ये है कि इसको ब्लैक जो ये धागा है इससे फोन को हैंग कर देना, और फोन को मैंने इससे हैंग कर दिया। और अब मेरे को फिर से 13 तक काउंटिंग करनी है और दूसरे नंबर पे कॉल करनी है किसी और नंबर पे। तो 13 तक काउंटिंग करते हैं और फिर वो वाला नंबर जो है वो है, वो भी बताऊंगा मैं भी आपको। तो उससे पहले 13 तक काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 11, 12, and 13। यार अजीब ही गेम है भाई। तो अब जो नंबर है कितने गया, हाँ वो है 255, वो नंबर है 255-15-823। अब इस पे कॉल करते हैं 255-15-823 और देखते हैं क्या होता है। इस पे भी कट रहा है और मेरे को तीन बार मिलाना है नंबर, ये एक बार कट गया, दो बार कट गया और ये थर्ड टाइम है। अब मेरे को बोलना है इस पर हेलो नीड अ कैब, हेलो नीड अ कैब, हेलो नीड अ कैब। तो ये था इसका यहाँ प्रोसेस। अब मेरे को सारी लाइट्स ऑफ कर देनी है इस कमरे की और उसके बाद बाहर जाके देखना है कि कोई कैब आई है या नहीं आई है। देखते हैं चल के बाहर। मैं कैमरा हाथ में ले लेता हूँ और उसके बाद लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। तो लाइट ऑफ कर दी है मैंने, अब चलते हैं ऊपर। मैं एक बार टॉर्च ऑन कर लेता हूँ और छत पे आ गया हूँ मैं और देखता हूँ कोई केबल आया है या नहीं आया। कोई कैब वाला नहीं है, दिखाता हूँ आपको। कोई कैब वाला नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, ये देखो। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई कैब वाला आ जाना चाहिए था लेकिन कोई कैब नहीं है, कोई भी कैब वाला नहीं है दूर दूर तक। देख लो आप, कोई कैब वाला नहीं है। तो ये तो गेम हो गई टाइटाइफुस। मुझे लग रहा था शायद कोई कैब वाला आ जाएगा या कोई भी जो कैब होगी वो अब तक पहुंच चुकी होगी। यार ये गेमों पे बिलीव है तो है नहीं मुझे। तो सॉरी गाइस, इस वीडियो में इतना ही था क्योंकि गेम ही फुस हो गई है। दोबारा एक बार देख लेते हैं कि कैब आई नहीं आई। ये कोई गाड़ी आके खड़ी हुई है भाई, मुझे नहीं पता ये कब आई है कब नहीं आई। एक बार चलते हैं और देखते हैं नीचे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। एक बार नीचे चलते हैं फिर देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। एक बार टॉर्च जला लेता हूँ। देखते हैं बाहर चल के।
कि इसमें कोई है या नहीं है। गाइस ये वो कैब है, ये रही। और यार इसमें सच में कोई नहीं है यार, इसमें सच में कोई नहीं है और इसकी लाइट जल रही है। तो भाई देखते हैं अब क्या होता है इस गेम के अकॉर्डिंग। इस गेम के अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, मेरे को इस गाड़ी में जाके बैठना है और सोना है दो बार। तो देखते हैं क्या होता है। गाड़ी में है नहीं कोई और गाड़ी की लाइट्स ऑफ थी, लाइट ऑन थी सॉरी। और अभी जैसे मैंने डोर खोला तो ये डोर लाइट भी अभी बंद हो गई है। तो सोता हूँ मैं अब जितनी भी देर है। पीछे ये कोई रात को स्विगी वाला है जोमेटो वाला खड़ा है, मेरे को सोना है इसके अकॉर्डिंग इसी गाड़ी में। तो मैं सोता हूँ थोड़ी देर। भाई अभी भी एक गाड़ी स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट मैं 40 से 45 मिनट सो लिया हूँ इस गाड़ी में और अभी ये गाड़ी स्टार्ट हुई है और पता नहीं कैसे स्टार्ट हुई है क्योंकि अभी भी इसमें कोई बैठा नहीं है। ये गाड़ी लेकिन स्टार्ट हो गई है, कोई बैठा नहीं है। लेकिन गेम के रूल के अकॉर्डिंग मेरे को एक बार फिर सोना है और जैसा कि उस गेम में लिखा था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। तो मेरे को एक बार फिर सोना है। मुझे नहीं पता ये कौन है और मेरे को कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन इस गेम के अकॉर्डिंग मेरे को इससे बात नहीं करनी, मुझे अपने से ही बात करनी है। मुझे इससे बात नहीं करनी बिल्कुल भी, जो भी ड्राइवर है गाड़ी का, क्योंकि यही है द हुडेड मैन। और मेरे को अगर इस गेम को एंड करना है इसकी डेस्टिनेशन पे ना पहुंचने के लिए तो मेरे को 5 बार बोलना पड़ेगा। अगर मैंने इससे बात करी तो मैं ही कहीं भी इस गाड़ी में रह जाऊंगा लाइफ टाइम इस गेम के अकॉर्डिंग। और लिटरली बहुत फट रही है मेरी, बहुत ज्यादा फट रही है। और अगर मेरे को इस गेम को एंड करना है और यहीं पे ख़त्म कर देना है तो मेरे को 5-5 बार हुडेड मैन से बोलना पड़ेगा कि reach my destination। तो यार जैसे मैंने रीच माई डेस्टिनेशन बोला मेरी आँख खुली और मैं अपने बेड पे था। ये होती है यहाँ पे इसकी क्या क्या होती है। गेम खत्म है ना, गेम
खत्म है ना ये, इसके आगे तो कुछ नहीं करना। इतनी थी बस, पक्का है? लाइट जला दे भाई, पक्का इतनी थी ना? ओके भाई, और ये बिहाइंड द सीन जरूर देखना। लेकिन इस गेम के अकॉर्डिंग मेरे को इससे बात नहीं करनी, मुझे अपने से ही बात करनी है। गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा है, रुक जा, सी आ गई मुझे, आराम चला पे, इतनी थोड़ा सा बिल्कुल झटके मत ले, लेने देता, ये कह रहा हूँ, थोड़े से खींच के रखा लीजिए। अगर मैंने इससे बात करी तो मैं ही कहीं भी इस गाड़ी में रह जाऊंगा लाइफ टाइम इस गेम के अकॉर्डिंग। और एक चीज अच्छी है वो ये है कि कम से कम बैंड एसी तो चला रखा है तूने, द ऑडिट मैन। हाँ भाई, ओए पॉजिटिव का ठोक मत दियो। आराम से देख, सामने से आ रहा गाड़ी वाला, कोई साइड में ले ले, मैं थोड़ी सी और करके खत्म कर रहे हैं यार, इसको ज्यादा एक्टिंग नहीं हो पा रही, ठीक है? यहीं से मोड़ ले, हाँ, रीच माय डेस्टिनेशन, हुड इट मैन, बोलते ही पगा मत साले, ऐसी आ गई मुझे, ओए पागल, आराम चला ले यार। अब फिर से बोल लेते स्टार्ट, ठीक है? रीच माई डेस्टिनेशन। ओ भाई, हुडेड मैन, तने एक चीज बढ़िया कर रखी है इसमें, एसी तो चला रखा साले, नहीं प्राण निकल जाते भाई, भूत जो हो रहा है वो ठंड मरा आ रहा है। ओम जय हुडेड मैन, सकाल है पूरा। अरे दिक्कत कर देंगे, रियल 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 फन कर दे कांड खुले आम, रियल 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 फन मौज चाले सुबह शाम, रियल 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 फन चाटे शाटे धर देंगे, रियल रियल रियल, अरे दिक्कत कर देंगे।